सोशलिस्ट पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो मुल्क के गरीबों के लिए कुछ काम करना चाहती थी, और जब एक इतना इंटरनेशनल लेवल का लीडर, इंटरनेशनल फेम का लीडर, जब उनको उन्होंने बिल्कुल कीड़ा मकौड़े की तरह मैं कह दूंगा कि उन्होंने उनको मार दिया और इस ब्रूटैलिटी के साथ मारा कि उसका नामो निशान नहीं आज तक मिलता इसी ब्रूटैलिटी का। मेरा नाम अनवर भट्ट है और मैं 79 में पाकिस्तान से यहाँ आया था, और ये एक लंबी स्टोरी है कि मैं कैसे यहाँ आया। मेरा शुरू से तल्लक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो स्टूडेंट विंग थी, नेशनल स्टूडेंट फेडरेशन NSF और PSF, इसके साथ तल्लक था। और बस इसी वजह से जब भुट्टो साहब के उन्होंने हैंग किया तो फिर मैंने यही सोचा कि इस मुल्क को छोड़ते हैं तो चलते हैं अपने काज के लिए कहीं जहाँ जगह मिल गई दुनिया में, वहाँ बैठेंगे और काम करेंगे। तो उसी से मैंने कोई बड़ी तगोदो के बाद इटली का वीज़ा हासिल कर लिया पाकिस्तान से, और इटली आया, इटली से फिर स्विट्ज़रलैंड, स्विट्ज़रलैंड से फिर जर्मनी आ गया। जब मैं यहाँ आया तो उस वक्त बहुत पाकिस्तानी इधर थे, उसमें हार्डली मैं ये कहूँगा कि 10% पोलिटिकल वर्कर थे, बाकी पोलिटिकल पार्टियों के नाम से उन्होंने यहाँ पर अजालम ले रखी थी। लेकिन था एक क्राउड था, तो हमने कोशिश की कि उनको ऑर्गेनाइज किया जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एग्जिल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके प्लेटफॉर्म के अंडर लाया जाए। साथ साथ मैंने अपनी स्टडी का जो मेरा एक ख्वाब था वो भी मैं पूरा उसकी तरफ बढ़ता रहा। मैंने अपना अबीटूर किया, अबीटूर ना खोलने जिसे आप कहते हैं दोबारा करना, वो मैंने किया। और साथ ही जब मैंने ये कर लिया तो फिर मैंने एक यहाँ पे एक कोर्स साथ शुरू कर दिया, यानी आप ये समझें कि मैंने नाइट कॉलेज पे या इवनिंग कॉलेज पे मैंने अपना अबीटूर किया, और डे को मैं एक इंटर्नशिप करता रहा एज ए, बल्कि इंटर्नशिप नहीं थी वो कोर्स था बकायदा स्कूल में, कॉलेज में, बेरूफ कॉलेज जिसे आप कहते हैं जर्मनी में, वोकेशनल कॉलेज, उसमें मैंने असिस्टेंट केमिकल इंजीनियर का डिप्लोमा भी कर लिया। खैर ये मैंने कंप्लीट किया, तो साथ ही 88 में फिर मैंने एडमिशन ले लिया, और एडमिशन लेने के बाद मैंने सोशल साइंसेस में डिप्लोमा किया जो कि मास्टर्स के बराबर होता है, और वो करने के बाद फिर मैंने PhD शुरू कर दी, और साथ ही इसी यूनिवर्सिटी मुझे उन्होंने डाक लेक्चर की पोस्ट ऑफर कर दी, तो मैंने वो ऑफर भी कबूल कर ली, जिसे मैं 2005 तक पढ़ाता रहा इधर यूनिवर्सिटी में। वरना पहले तो हम वीकेंड पे टैक्सी चलाते थे सब स्टूडेंट मिलके, और उसी से अपनी स्टडी को मैंने फाइनेंस करता था। जब मैंने अपनी बेसिक स्टडी कम्प्लीट कर ली तो एक अच्छे नंबर आ गए, तो मुझे यहाँ की एक फाउंडेशन है फ्रीडरिक एबर्ट फाउंडेशन, उससे स्कॉलरशिप मिल गया फुल टाइम, तो मेरे लिए और आसान हो गया आगे तालीम को जारी रखना। वरना पहले तो हम वीकेंड पे टैक्सी चलाते थे सब स्टूडेंट मिलके, और उसी से अपनी स्टडी को मैंने फाइनेंस करता था। तो बस फिर जब PhD कर ली तो मैंने देखा कि यहाँ पे अबंडेंट PhD फिक्र हैं सोशियोलॉजी में, सोशल साइंसेस में, पॉलिटिकल साइंस में। तो मैंने कहा यार मसला ये है कि अब तुम क्या इधर करोगे, क्या कंट्रीब्यूट कर सकते, इनको तो अपने लोग बहुत ज़्यादा हैं और इनको पता नहीं मैं वो कंट्रीब्यूट कर सकूं जो इनको चाहिए, क्योंकि यहाँ एक और मसला है, अगर इस मुल्क में आप अपने मुल्क का क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करते तो बड़ा मुश्किल हो जाता है आपका अपना आगे बढ़ना, और क्रिटिकल एनालिसिस एज ए बीइंग ए पाकिस्तानी बड़ा मुश्किल हो जाता है, आपको कहीं ना कहीं जाके आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है इस एनालिसिस में, और वो मैं कर नहीं सकता था। तो मैंने सोचा ये कि यार बेहतर है कि अपने मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। कुछ हालात भी वहाँ जा चुका था, मुशर्रफ साहब आगे हुए थे, और एक हमें ये इम्प्रेशन ये मिला जी जो मुशर्रफ वो अपना ही बंदा है, तो हमने कहा चलो यार जस्ट जंप इन। तो मैंने एक लेटर लिख दिया गवर्नमेंट को कि जी मैंने ये किया हुआ है, तो आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द कंट्री। तो मुझे फिर नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की ब्यूरो से एक लेटर आ गया कि आप वी आर लुकिंग
सच ए पीपल इन द वर्ल्ड, तो आप आएँ हमारे साथ मिलकर काम करें। तो यूँ मैंने फिर यहाँ से पैकअप किया और पाकिस्तान चला गया, और वहाँ पे लोकल गवर्नेंस सिस्टम जो नया बनाया गया 2001 में, वहाँ मैं कंट्रीब्यूट करना शुरू कर दिया। अच्छा, ये चार साल सिलसिला तकरीबन चलता रहा। हम गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठते थे, लेकिन हमें जो पे करते थे वो UNDP या वर्ल्ड बैंक हमें ऑनरेरियम देते थे, गवर्नमेंट से हमें कोई एक पैसा भी नहीं था। चार साल के बाद मैंने देखा ये अब क्योंकि जो निज़ाम लाए थे वो इससे सिंसियर नहीं रहे थे, यानी ये निज़ाम लेके आए थे मिलिट्री सर्विस में। तो जब मैंने देखा कि ये तो खुद भी सिंसियर नहीं है उसका उस सिस्टम से, तो फिर मैंने कहा नहीं, अब मुश्किल होगा हमारे लिए इनके साथ का। तो फिर मैंने यूँ किया कि मैंने वहाँ पे एज ए विजिटिंग फैकल्टी शुरू किया, लेकिन शुरू फिर भी हमने वहीं से किया जिसका नाम ज़ैबिस का, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद का जो इंस्टीट्यूट है वहीं से शुरू मैंने किया एजुकेशन की, पढ़ाना भी वहीं शुरू किया, और साथ साथ फिर दूसरी यूनिवर्सिटी में भी, और ये सिलसिला चलता रहा। इस्लामिक यूनिवर्सिटी, फिफा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर का इस्लामाबाद कैंपस, और फिर 2017 में मैंने शिफ्ट कर लिया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के इस्लामाबाद कैंपस में एज एसोसिएट प्रोफेसर। अब ये है कि मैं वहाँ से पढ़ा रहा था, अब एक नया फेज़ शुरू हुआ क्योंकि बच्चे मेरे माशाल्लाह तीन थे, दोनों उन्होंने अपनी एजुकेशन कम्प्लीट कर ली। तो मैंने वाइफ से कहा, मैंने कहा देखिए आप दुनिया बहुत बड़ी है, छोड़ दें आप दूसरे मुल्कों का भी, दूसरे इंसानों को भी हम पे हक है। तो मैंने जर्मन इंटरनेशनल कोऑपरेशन की एक वेबसाइट थी, एडवर्टीजमेंट, वो ये नज़र से गुजरी एज एडवाइज़र टू जकार्ता इंडोनेशिया। तो मैंने कहा चलिए इस्लामी मुल्क भी है तो देखते हैं, मैंने ऐसे अप्लाई कर दी। यकीन करें मुझे कुछ नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे बुलाएंगे या नहीं करेंगे, लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स हम अपने बड़े बेटे की मंगनी के सिलसिले में लाहौर गए हुए थे, तो इनका मुझे वहाँ का हाल आज कि जी डॉक्टर भट्ट आर यू अवेलेबल। तो मैंने कहा आपको हवा आ गया या कहीं सोए उठे हैं, 6 महीने के बाद आप मुझे कॉल करें। मैं तो भूल गया हुआ था। मैंने कहा किस सिलसिले में कर रहे हैं, वो आपने एक दफ़ा अप्लाई किया। हाँ मैंने किया तो था, लेकिन है भी आपका इंटरेस्ट है। मैंने कहा बिल्कुल है, तो ये करेंगे। मैं कि आप मुझे लिख के भेजें क्या करवाना चाहते हैं। तो मेरे लाहौर जाने से पहले एक ईमेल पड़ी हुई थी बॉक्स में, इन बॉक्स में, वो देखी। फरवरी में मेरा इंटरव्यू किया, फरवरी 2020 में, और फिर उसी दिन उन्होंने मुझे 1 घंटे के बाद इतला दी कि यू हैव बीन हेयर बाय सिलेक्टेड और प्लीज़ कम टू द मेडिकल चेकअप टुमारो। वो किया, उसके बाद में वापस चला गया, और 1 जुलाई से फिर मुझे उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि आप 1.5 साल के लिए जकार्ता जाएँ हमारी तरफ से, और वहाँ पे एंटी करप्शन प्रोजेक्ट है इनका, उसमें कंट्रीब्यूट करें। एक तो गवर्नमेंट का वहाँ कमीशन है, उसमें 30% और 70% आपने जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करें। इस सिलसिले में फिर मैं 20 जुलाई को पाकिस्तान से यहाँ आ गया, और अब वो प्रिपेरेटरी कोर्सेज जो हैं वो हमें कराए जा रहे हैं, ट्रेनिंग की जा रही है, और ये 18 सितंबर तक चलेगी।